वाराणसी में शनिवार को कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। शनिवार को 21 मरीजों को होम आइसोलेशन से छुट्टी मिली है। अस्पताल से कोई भी मरीज स्वस्थ होकर घर नहीं लौटा है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 पहुंच चुका है। अब तक 21,886 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,435 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या अब 84 है। रोहनिया के शहनशाहपुर स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में फॉर्ड फाउंडेशन एवं बायोटेक किसान परियोजना के सौजन्य से शनिवार को किसान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उप महानिदेशक कृषि प्रसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली डॉक्टर ए.के. सिंह ने कहा कि महिलाओं को कृषि कार्य में और अधिक योगदान देने के लिए गेहूं धान की खेती में उद्यानिकी फसलों जैविक खेती मछली पालन एवं पशुपालन को अपनाना चाहिए। BLW में महात्मा गांधी की शहादत दिवस के अवसर पर विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कारखाना परिसर में विश्वकर्मा गेट के आसपास के एरिया में महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने बड़ी संख्या में उपस्थित प्रमुख विभागाध्यक्षों अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ स्वच्छता श्रमदान किया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी BHU द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया। इस दौरान उपवास में बैठे सदस्यों ने आरोप लगाया है कि देश में आज उन्हीं लोगों की सरकार है जो बापुओं के हत्यारों जैसी विचारधारा रखते हैं। सुबह 10 बजे शुरू हुए उपवास दोपहर 3 बजे तक चला, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने उपवास रखा। आज हमारा उपवास जो है वो गांधी की शहादत दिवस 30 जनवरी को के उपलक्ष्य में है। आज हमारा उपवास हमारे समाज में फैले हुए जो वैचारिक शून्यता है, जो अन्याय और दमन की राजनीति बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ है, उसके प्रतिरोध में है। चंदौली जिले में अब 8,000 घरों तक पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचेगी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है, जो जल्द पूरा होगा। मार्च तक सकलडीहा PDDU नगर और पड़ाव क्षेत्र में 30 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा पड़ाव समेत अन्य स्थानों पर CNG पंप भी खुलेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर साल 1916 को महामना मदन मोहन मालवीय के आमंत्रण पर BHU पधारे थे। इसके बाद साल 1942 में अपनी 11वीं और अंतिम बनारस यात्रा उन्होंने BHU के रजत जयंती समारोह के लिए की थी। 21 जनवरी 1942 को बापू ने विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में भाग लिया और संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जो स्थान चुना गया था उसे आज सभी गांधी चबूतरे के नाम से जानते हैं। इस गांधी चबूतरे पर 30 जनवरी महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग के तत्वाधान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। भारत माता मंदिर में जनता के प्रमुख सवालों पर आधारित 10 सूत्रीय मांगों के साथ आखिर सवाल तो है ना का पर्चा जारी किया गया। पर्चा कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हरीश मिश्रा उर्फ बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार सिर्फ नफरत आधारित राजनीति पर टिकी है और जनता के मूल सवालों का तिरस्कार कर रही है, उससे हम सभी लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण हम सबको अपने सवाल पर एकत्रित होकर संघर्ष करना होगा ताकि भाजपा सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। 10 सूत्री मांगों में सबसे खास मुद्दा जो है स्मार्ट मीटर पर जो लगा करके उसकी लूट हो रही है, सबसे महंगी बिजली का बिल हो चुका है और रसोई गैस का जो सिलेंडर है उसका दाम बढ़ा दिया गया। ये घरेलू चीज़ है, आम जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो ये 3 प्रमुख मांग। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान ने आरोप लगाया है कि शुक्रवार की रात 3 गाड़ियों से पहुंचे लोगों ने असलाह लहराते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद शनिवार सुबह जिलाध्यक्ष के साथ महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, महानगर महिला मोर्चा अध्यक्ष पूजा यादव सहित काफी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता जिला मुख्यालय स्थित SP ग्रामीण से मिलने पहुंचे। इस संबंध में SP ग्रामीण विनय कुमार सिंह ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। कल रात में 3 गाड़ी से बदमाश पहुंचे असलाह लैस होकर, जिसमें हमारी गाड़ी खड़ी थी, कभी गाड़ी हमारे घर खड़ी होती, कभी तालाब पर, जहाँ कार्यालय है, तो रात में पहुंचे, हम तो मिले नहीं,
लेकिन हमारे जो चौकीदार वहाँ काम देखने वाले हैं उन लोगों को भद्दी भद्दी गाली देना, हमें भी गाली देना, असलाह निकाल कर चमकाना, एक तरह से डरवाना, हम लोगों के मतलब कि दहशत हो गया एरिया में पूरा। ये सरकार में गुंडा खुलेआम घूम रहे हैं, ये गुंडा राज है, ये गुंडों की सरकार है, ये कोई सुरक्षित जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हो चाहे एक सम्मान किसान भी कायम हो वो सुरक्षित नहीं। जब किसान हमारा सुरक्षित नहीं है तो हम आप क्या हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का माहौल एक बार फिर गर्म होने लगा है। पिछले कुछ दिनों से आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में वामपंथी गुट के लोग धरना प्रदर्शन और सभा करके माहौल बना रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को आईसा ने प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री का पोस्टर भी फूका, पर इस दौरान लहराए गए एक विवादित पोस्टर से नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने आईसा का विरोध शुरू कर दिया है। इस दौरान जमकर कॉलर पकड़ा पकड़ी और धक्का मुक्की हुई। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बेनियाबाग में 90 करोड़ की धनराशि से निर्माणाधीन पार्क एवं पार्किंग स्थल के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर प्रत्येक दशा में इसी वर्ष अक्टूबर महीने तक पूरा कराए जाने की डेडलाइन निर्धारित की है। शनिवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने नगर आयुक्त गौरांग राठी के साथ बेनियाबाग के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बेनियाबाग पार्क को वाराणसी के सेंट्रल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां निर्माणाधीन पार्किंग स्थल पर 450 चार पहिया तथा 700 दो पहिया वाहन पार्क हो सकेंगे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने 23 करोड़ 67 लाख रुपए से निर्माणाधीन दशाश्वमेध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कुल 182 दुकानें बनाई जा रही हैं, जिसमें आसपास के क्षेत्रीय दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा।